गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सुलता किचन एंड फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, मेरा आदि भी ठीक है। आई होप आप सभी भी ठीक ही होंगे। आप लोगों को पता चल गया होगा, देखो कैसे बैठ के लैपटॉप देख रहा है, क्योंकि मुझे सुबह लैपटॉप में थोड़ी काम था, मैं कर रहा था, तब ये उठ गया। मुझे बोली मुझे दो, मैं लैपटॉप देखती हूँ। अभी देखो जो हमारी भाषा का नटिया कॉमेडी देता है, वही वो बैठ के देख रहा था। मेरा अभी आधा काम खत्म हो चुका है। आधा मतलब सुबह का जैसे झाड़ू लगा, पूछा, ये सब, और नहा के मैं पूजा भी कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका काम मुझे अभी करना है, उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है। तो चलिए फटाफट मैं इसका काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ता भी मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के मत जाइए। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं इसका काम ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। बहुत नटंगी करता है सुबह, कभी कभी मेरे साथ जल्दी उठ जाता है, या फिर कभी कभी थोड़ी लेट से भी उठता है। देखने के लिए कैसे देखो कर रहा है, बहुत नटंगी करता है। अभी देखो नहाने का कैसे नटंगी करेगा। मैं यहाँ पर ये सरसों का तेल उसका बालों के लिए लगाती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल बालों में लगाने के बच्चे का बाल काली भी होता है, ऐसे जैसे खराब नहीं होता है, इसकी वजह से मैं उसका तेल सरसों का तेल सिर्फ बालों में लगाती हूँ। आप बच्चे के लिए तेल बनाते हो ना, तो पहले उसमें थोड़ी काला जीरा और शुंठी ये सब मिला के थोड़ी उसम करके उसको बच्चे को मालिश आप कर सकते हो, उससे बच्चे का जो हड्डी फड्डी स्ट्रांग रहता है, तो बच्ची भी स्ट्रॉन्ग बनता है। वो तेल भी आप मालिश कर सकते हो बना के बच्चे के लिए। और एक बात, ये जब उठ जाता है ना, उठने के बाद ये तुरंत खाना नहीं खाता है, क्योंकि पहले वो नहाता है, ब्रश वगैरह पूरा ख़त्म करता है, उसके बाद वो खाना खाता है। ऐसे नहीं कि पहले उठते हैं वो खाना खा लेते बच्ची, तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता है। पहले मैं उसको मालिश करती हूँ, उसके बाद ब्रश करके उसको नहा के लेके आती हूँ, फिर उसके बाद वो खाना खाता है। तो चलिए मैं वही मैं आप लोग के साथ आज दिखाती हूँ। चलो आप लोग देख सकते हैं, मैं उसको लहाने के लिए लेके आया हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ी सी गर्म पानी लिया हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी मैं गर्म पानी लिया हूँ, क्योंकि उसको ठंडी पानी में नहाने का आदत है, और ठंडी पानी में नहीं नहा, मतलब उसको ठंडी पानी में नहाना है, लेकिन मैं थोड़ी सी गर्म पानी लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडी पानी में नहाएगा तो बच्ची ठंडी भी हो सकता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी सी गर्म पानी उसमें पानी ऐड करूँगी ठंडी पानी, और उसको नहाऊंगी। पहले मैं उसका ब्रश कर लेती हूँ।
बस बस कैसे नाटक कर रहे हैं नहाने के लिए देख सकते हो मैं नहा के आ चुका है। अभी इसमें पहले कपड़ा पहन लाऊंगी। बस बस मैं इसको हर दिन टीका लगाती हूँ। टीका लगाने से क्या होता है ना, बच्ची को जो काली का नजर लगता है और नहीं लगेगा। तो हमारे गांव में हम बच्ची को टीका लगाते हैं, बहुत बड़ा लगाते हैं। मैं तो इतना ही छोटा लगाती हूँ, लेकिन इससे भी बड़ा हम लोग लगाते हैं बच्चे। मैं उसको हर रोज लगाती हूँ, ऐसे नहीं कि एक दिन लगाती हूँ एक दिन नहीं लगाती हूँ। मैं हर रोज उसको लगाती हूँ। Thank you.
हाय कर दे। हाय याद है। हाय। इसका अभी काम खत्म हो चुका है। खत्म किधर हुआ है, अभी उसका नाश्ता भी बाकी है। अभी चलिए मैं उसके लिए नाश्ता पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ बात करती हूँ। अभी आज नाश्ते में थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि आपने तो देखा थोड़ी काम था, काम खत्म करने के बाद मैं बनाऊंगी सोच रहा था, लेकिन उसका तो काम ही खत्म हो चुका है। अभी मैं उसको थोड़ी ड्राई फ्रूट्स दे रही हूँ, जैसे कि 2 बादाम और 2 बादाम ही दे रही हूँ उसको खाने। जब तक तो ये खाना खाएगा तब तक मैं मेरा नाश्ता भी बना लूँगी। तो अभी मैं इसको दे रही हूँ, वो बैठ के वो खाएगा, तब तक मैं चलो नाश्ता बना लेती हूँ। आज रास्ते में मैं आलू की भजिया और रोटी बनाऊंगी, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। पहले मैं आलू की भुजिया बना लूँगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। आलू की भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई बैठा दिया, ये थोड़ी सी तेल थे क्योंकि कल थोड़ी भाजी बनाया था तो तेल थोड़ी कढ़ाई में थे। और थोड़ी तेल दे रही हूँ, उसके साथ थोड़ी सी जीरा दे रही हूँ, जो कटा हुआ है प्याज रखा था उसको दे रही हूँ। आलू को इसे पतली टुकड़े में कट करके उसको अच्छी तरह साफ करके रखा था, उसको दे देंगे अभी। अभी उसको एक साइड में मैं बैठा दूंगी। रोटी बना लूंगी, एक साइड में मैंने जो आलू फ्राई करने के लिए बैठा है आप देख सकते हो। अभी मेरा किचन बहुत छोटा है इसलिए मुझे मैनेज करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर रोटी बनाऊंगी,
अंदर आटा को गूंद के रख दिया था, आप देख सकते हैं। आलू बैठा था ये सिर्फ कर दिया।
मैं ऐसे जो दो रोटी था उसको भी मैं ऐसे कर लूंगी। अब देख सकते हो रोटी सारा मैंने कर दिया है। आप देख सकते हो जो आलू की भुजिया में बना रही हूँ वो भी होने दिया है और उसमें थोड़ी सी धनिया का पत्ता दे रही हूँ और इस भुजिया को मिला रही हूँ। सकते हैं आलू की भजिया पूरा बन के रेडी। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और चलिए मैं आदि के खाना खिला लेती हूँ क्योंकि उसको बहुत भूख लगी है। थोड़ी सी ट्राई कर दिया था आपने जैसे देखा था तो चलिए मैं आदि को खाना देती हूँ। वीडियो में बने रहिए। तो देख सकते हो मैं आदि को खाना खिलाने के लिए आदि बेड पर बैठ के खाना खाया क्योंकि लैपटॉप देख रहा था इसकी वजह से। अभी आज उसके खाना में है रोटी आलू की भजिया थोड़ी सी दाल बनाया था दाल है उसके साथ एक अंडी उबाल के मैं उसको दे रही हूँ। हर रोज मैं उसको सुबह एक अंडी उबाल के देती हूँ मैं उसको। आपकी भी छोटी बच्ची है ना तो देना बहुत अच्छा रहता है बच्ची के लिए। तो अभी मैं उसको खाना उसको खिलाने के बाद मैं खाना खिलाऊंगी। मैं मेरे कहने का मतलब उसको पहले खाना खिलाऊंगी उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। पहले मैं इसको खिला लेती हूँ। उसका खाने का कुछ टेंशन नहीं जो भी दो खा लेता है उसका खाने का कुछ। कभी भी मैं ऐसे नहीं कि हर रोज मैं उसको वही देती हूँ हर रोज ऐसे नहीं देती हूँ। हर रोज अंडे उबाल के देती हूँ वो सही बात है लेकिन ये रोटी वगैरह हर रोज मैं नहीं देती हूँ। हर रोज कुछ ना कुछ मैं उसको करके देती हूँ। Thank you.
चीज गरम है उसको दे रही थी, देखो उसका मुंह कैसा। आई कर दिया आई। उसको खाना खिलाने के बाद मैं भी खाना खाने के बाद फिर आप लोग के साथ बात करती, क्योंकि उसको टाइम लगता है खाने में, थोड़ी थोड़ी करके खाता है बच्ची है इसकी वजह से, क्योंकि पूरा वीडियो बनाऊंगी ना तो आप बहुत बोर हो जाएंगे। तो चलिए मैं उसको खाना खिलाने के बाद आप लोग के साथ बात करती हूँ। अभी आप मेरी नाश्ता भी ख़त्म हो चुका है, मेरा आदि का भी नाश्ता ख़त्म हो चुका है जैसे कि मैंने आप लोग को देखा है। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना प्लीज़। अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, पास में जो बेल बटन है उसको भी दबा देना। फ्यूचर में जो वीडियो नया आएगा आप उसको मिस ना कर सकते हो। हाँ, और आप सुबह से क्या करते हो वो भी मेरे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में, ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि मैं तो आधी की सुबह से ही मेरा एकदम रोज का तो कभी काम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अभी नाश्ता ख़त्म हुआ अभी दोपहर का खाना बनाऊँगी, तो औरत का तो कभी भी काम ख़त्म नहीं होता है जैसे कि आप लोग को पता है। तो अभी मैं जाऊंगी दोपहर के लिए खाना बनाऊंगी, और ये अभी टाइम कम से कम 10 या 10:30 बज गया होगा, क्योंकि सुबह से मैं आज थोड़ी नेट में उठी थी, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे सुबह हर रोज उठती हूँ, क्योंकि आज संडे था और हस्बैंड आज भी ड्यूटी गई है, उनकी महीने में एक बार उनको बुलाते हैं इसकी वजह से, और आज भी ड्यूटी गई तो इसकी वजह से थोड़ी की मैं सो गई थी। आज वॉकिंग भी नहीं गया था, घर पे स्पीकिंग वगैरह खेल रही थी मैं। तो उठ जाने के बाद थोड़ी सी काम वाम जैसे रहता है सुबह का, वो काम ख़त्म होने के बाद जैसे कि मैंने आपको वो देखा है आदि का रहता है, तो सब काम मेरा ख़त्म हो चुका है, इवनिंग नाश्ता भी हो चुका है। अभी थोड़ी सी कपड़ा ऊपर डालूँगी मैं, क्योंकि धोखे में उसको रखा है इसलिए ऊपर लेके डालूंगी। तो आज का वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगी, यहीं पर रखूंगी। आप लोग के साथ कल मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, ज़रूर बताना आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताना कैसा लगा। आई होप अच्छा लगता होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपका सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी आगे भी, और नहीं जा पा पाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना मैं जाके और आगे जा पाऊँ। तो रखती हूँ आज के वीडियो, आप लोग के साथ कल मिलूँगी।